नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है अजय नाम के एक लड़के की, जिसकी उम्र करीब 25 साल थी। ग्रेजुएशन कर चुका था, पढ़ने में बहुत ही होनहार था, दिमाग तेज था उसका, आईएएस आईपीएस बनने का सोचा था, यूपीएससी निकालने का। लेकिन उसके घर में थोड़ी समस्याएं थी, जैसा कि आपके घर में भी होंगी, सबके घर में रहती है कुछ ना कुछ समस्याएं। उसके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे, थोड़ी पैसे की भी प्रॉब्लम थी, दोस्त वगैरह भी उसके कम थे, क्योंकि पढ़ने में रहा शुरू से तो उतने दोस्त वगैरह नहीं बनाए। उसने सोचा कि यार मेरे घर में इतनी परेशानियां हैं पैसों को लेके और लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तो बाकी चीज़ें मैं कर लूँगा, उम्र पड़ी है। उसकी हॉबी भी थी कुछ, जैसे कि गिटार बजाना, घूमना फिरना। उसने सोचा कि यार पूरी लाइफ पड़ी है, मैं कर लूँगा, पहले ये परेशानियाँ सॉल्व हो जाए। एक दिन वह अपने मामा के घर के लिए निकला, रास्ते में उसको एक नदी पड़ती है, वहाँ पर एक बाबा बैठे हुए थे। तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा देर आराम कर लूँ, है ना। तो वह वहाँ बैठ गया। बाबा ने पूछा, और बेटा तुम क्या करते हो? तो उसने बताया, बाबा मैंने अभी ग्रेजुएशन किया हुआ है, मैं सोच रहा हूँ ये चीज़ें कर लूँ, लेकिन मेरे घर में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, पैसों को लेके परेशानी है, तो मैं सोच रहा हूँ ये धीरे धीरे जैसे सेटल हो जाता है तो मैं अपने ऊपर फिर फोकस करूँ। अब अजय ने फिर बाबा से पूछा कि बाबा आप क्या कर रहे हो? तो बाबा ने बोला, बेटा मैं सोच रहा हूँ जो ये नदी बह रही है ना, जब ये बहना रुक जाएगी तब मैं इसको पार करूँ, इसी चीज के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ और वेट कर रहा हूँ कि नदी बहना कब बंद करे। अजय को थोड़ा आश्चर्य हुआ, हंसी आई। अजय ने बाबा से कहा, बाबा आप क्या बात कर रहे हो, ये नदी कभी बहना बंद करेगी क्या? कैसी बात कर रहे हो, ऐसे तो आप यहीं बैठे रह जाओगे, कभी इसको पार नहीं कर पाओगे। तो बाबा ने अजय से कहा, तूने भी तो अभी यही बोला, ये बता इंसान की जिंदगी में परेशानियां कब खत्म होती हैं? आप किसी भी उम्र में पहुंच जाओ, कितने भी रईस हो जाओ, आपकी लाइफ में कोई ना कोई परेशानियां बनी रहेंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठ जाओ, रुक जाओ। तूने यदि कुछ बनने का सोचा है, यदि तू पढ़ना चाहता है, एग्जाम निकालना चाहता है, तो तू ये मत सोच कि तेरे आसपास वाली परेशानियां जब सॉल्व हो जाएंगी तब जाके तू पढ़ाई करेगा, तब जाके तू एग्जाम निकालेगा। इनको साथ लेके, इनको हैंडल करके चलना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में परेशानियां कभी खत्म नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान के बैठ जाएं। तू इन परेशानियों के बीच में से निखरेगा, बस तू मेहनत कर, जरूर तू सफल होगा। दोस्तों हमारे साथ भी ये कहानी हमारे ऊपर भी लागू करती है। हमारे आसपास भी 50 तरीके की परेशानी होती हैं, जिनके कारण हम सोचते हैं कि यार मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लोग अच्छी फैसिलिटी है वो अच्छे से पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं है, परेशानी सभी के साथ कुछ ना कुछ होती है, और जो निखर के आता है उस परेशानियों में से वही ऊपर जाता है, सक्सेस होता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल स्टोरी यहाँ पर मिलती रहती है। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।